मैं आरती वाल्मीकि भाटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश से, और ये है ग्राम खिरिया और बसिया। ग्राम खिरिया की जनसंख्या है 1285 और ग्राम बसिया की जनसंख्या है 954, और यहाँ रहने वाले किसानों की संख्या लगभग 800 बताई जा रही है। जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा इस साल जो खेती से नुकसान हुआ है उस समस्या से परेशान हैं। आप लोग यहाँ क्या समस्या लेके आए थे? चना में ओलावृष्टि में बर्बाद हो गई फसल, पूरे गांव में किसी के पास नहीं, कुछ खाने पीने को नहीं बचा है। अगर इसका मुआवजा हमको नहीं मिला तो इससे हम दोनों तीन पंचायत के ग्रामवासी उग्र रूप धारण करेंगे। इस गांव में रहने वाले सभी किसान लोग 3 फरवरी के दिन तहसीलदार महोदय जी के सामने ज्ञापन सौंपने गए और उन्हें बताया कि उन्हों अब वो जाके टेढ़ा आम पे, जो कि ग्राम बसिया खिरिया से करीब 2 किलोमीटर दूरी पे है, वहां जाके चक्का जाम करेंगे। और लोगों ने चक्का जाम किया और वहां आके उन्हें डराया धमकाया गया, कहीं नेताओं के हाथ से, कहीं टीआई के हाथ से। और तहसीलदार महोदय जी भी टेढ़ा आम पहुंचे, जहां पे उन्होंने आश्वासन दिया लोगों को कि उनकी सर्वे ठीक से कराई जाएगी, जो कि 100% नुकसान है वही दर्शाया जाएगा, उसी तरीके से छानबीन की जाएगी, जो कि पहले गलत किया गया था कि 5% नुकसान बताया गया था, जबकि वहां 100% नुकसान था। इससे पहले पटवारी या कोई आपके यहाँ जांच करने गए हैं? गए हैं तो बोले हैं 5% नुकसान है, तो इसका होगा लेखा जोखा। और आपके हिसाब से इसमें क्या इसमें है? आप देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, एक भी घेंटी नहीं है, एक भी फल की उम्मीद नहीं है, ना इसमें फूल बचा ना कुछ बचा है। ये 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी सारी फसल। इसकी लंबाई कितनी होगी पेड़? लंबाई होगी 1.5 फुट। पिछली बार भी सोयाबीन की फसल नष्ट हुई थी, कुछ नहीं हुआ, सर्वे होके गया था, कुछ नहीं मिला किसानों को मुआवजा। आप लोग अभी गए थे, कहाँ गए थे अभी? अभी हम तहसीलदार को ज्ञापन देने गए थे। तो क्या बोले उन्होंने? तहसीलदार ने बोला कि आपकी सर्वे हो रही है, आपका जो नुकसान होगा वो देखा, लेकिन तहसीलदार खुद आके बोलते हैं कि आपका 5% नुकसान है, बाल देख रहे हैं कि उनके इसमें कुछ नुकसान नहीं है। आज उन्होंने जो संघर्ष किया है वो इस तरीके से था कि सभी जगह कोशिश करने के बाद वहाँ के लोग अभी बदलाव नहीं पा सके, क्योंकि अभी तक उनके गांव की जो फीडिंग है वो नहीं हो पाई कंप्यूटर पे, लेकिन आज भी वो बदलाव की कोशिश में लगे हुए हैं। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं आज? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी की मांगे पूरी की जाए। हम लोग जो बीमा भरते हैं केसीसी का, केसीसी ले हैं बैंक से, उसका बीमा भरते हैं, लेकिन कोई मुआवजा नहीं मिलता, हम मुआवजा के दावेदार हैं। मैं आरती वाल्मीकि भाटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहर्ट के लिए।